भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेले में देसी जड़ी बूटियों के साथ आयुर्वेदिक दवाओं को लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। मेले को देखने बड़ी संख्या में लोग लाल परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित हर्बल मेले में कई देशों के लोग शामिल हुए हैं। मेले में जड़ी बूटियों के साथ कई तरह के वन उत्पाद मौजूद हैं। मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य के साथ विभिन्न जिलों के देसी प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में विंध्य हर्बल के बने प्रोडक्ट्स को काफी पसंद किया जा रहा है। विंध्य हर्बल के बने च्यवनप्राश, शहद और आयुर्वेदिक दवाइयों पर ग्राहक विश्वास कर जमकर खरीदी कर रहे हैं। वहीं बंबू स्टॉल में रखे बांस के घरेलू सामान को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। सर, इसके अंदर काफी कुछ चीजें बनाई जाती हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे नेचर के लिए काफी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है कि भाई नेचर बचाओ। बैम्बू भी हमारे उसी चीज़ में आता है। जैसे बैम्बू का क्या रहता है कि पहले ये लकड़ी में आया करता था, आजकल गवर्नमेंट ने इसे घास में कर दिया है। बैम्बू से हर एक चीज़ बनाई जा सकती है। आप जैसे भी देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारी फर्नीचर लगे हुए हैं, चिड़ियाएँ हैं, फूल हैं और भी डेकोरेशन है, काफ़ी सारी सामान है जो आजकल हमारी जीविका चला रहा है। और गवर्नमेंट इसमें हमें बहुत सपोर्ट करती है। मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, उसमें ये हमको स्टॉल मिलता है और भी काफी कुछ चीजें रहती हैं जो इसमें हमारे लिए काम आती हैं। हर्बल मेले में कई वैद्यों और आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। चिकित्सा पद्धति में नंबर, कलर, हथेली के साथ नाड़ी देखकर बीमारी के बारे में जानकारी देकर इलाज किया जा रहा है। वहीं कई वर्षों से मेले में स्टॉल लगाने वालों ने देसी प्रोडक्ट्स की जानकारी दी। नाड़ी देख के बात पित्त कफ के हिसाब से रोग होता है, बात बड़ा हुआ है तो बात की दवा दे दी, लिख दिया। पित्त बड़ा है पित्त की औषधि लिख दी, कफ बड़ा है तो कफ की औषधि लिख देते हैं। कुछ उसी के हिसाब से कलर थेरेपी में भी उपचार हो जाता है। जैसे कि सर्दी जुकाम है तो -45 शुक्र पर्वत पे लिखेंगे, ठीक हो जाएगा। यूरिक एसिड बड़ा है तो उसको लिखेंगे, शुक्र पर्वत का नुस्खा, वो तत्काल 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। सूर्य के 7 रंगों को अपने हाथ पे लिखने से उसी प्रभाव में आएगा। अंकों का जो है कि जिस अंक को अपन बढ़ा देंगे तो प्लस कर देंगे, जिसको घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, उस हिसाब से उस अंकों का प्रभाव हो जाता है। ये इसमें कमर के लिए, जोड़ों के लिए, गैस के लिए, शुगर के लिए, ये सब दवा काम पे आती। 32 रंग की 32 जड़ी होती, 32 के ऊपर 2 36, ये सब जड़ी बूटी होती है, हर काम पे चलती है, 32 रोग के लिए होती है। मूसली है, सालम मिश्री है, कमर कस्ते, कामराज है, खीर कंधे, बिदारा कंधे, चोप चीनी है, भड़का दूध, ये सब दवा होती है हमारे पास। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले में मानसरोवर आयुर्वेद और एलन आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है, जिसमें पंचकर्म से लेकर आंखों की निशुल्क जांच और आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा रही हैं। मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से यहां पे निशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध किया जा रहा है, जिसमें नेत्र परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, शल्य, फिजियोथेरेपी, दंत चिकित्सा के परामर्श उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टॉल है, जिसमें हमारी मानसरोवर आयुर्वेदिक की फार्मेसी में निर्मित विभिन्न प्रकार के औषध कल्प जो हैं वो तैयार किए गए हैं, च्यवनप्राश हैं, आंवला कैंडी वगैरह हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो है नेत्र परीक्षण के दौरान जो चश्मे वगैरह का नंबर और चश्मा भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही गार्डन में ही उगाए गए जो हर्बल औषधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, उनका भी जो है यहाँ पे हम जो है वितरण कर रहे हैं। विंध्य हर्बल मेले में एलएन आयुर्वेद कॉलेज की तरफ से स्टॉल लगाया गया है। इसमें पंचकर्मा, काय चिकित्सा, शल्य व स्त्री रोग की ओपीडी चल रही है, जिसमें निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस स्टॉल में ही हमारे कॉलेज की तरफ से बनाई हुई औषधियों का वितरण किया जा रहा है। हर्बल मेले में कई राज्यों के स्टॉल मौजूद हैं। मेले में कहीं देसी पौष्टिक लड्डू, कहीं केरल के मसाले, कहीं जड़ी बूटियां, तो कहीं देसी नुस्खों के साथ उनके उपयोग की जानकारी दी गई। वहीं मेला घूमने आए लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी भी की और इसे पसंद भी किया। साल की लगभग आधी जनता आ चुकी है और सारे लोगों को यहाँ देखने आना चाहिए। नई नई औषधि, जड़ी बूटियों का ज्ञान मिल रहा है, नेचर से जुड़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन बस इस बात का दुख है, समय कम है, मतलब 4-5 दिन पर्याप्त नहीं होते हैं। ज्ञान का भंडार 4-5 दिन में अपने अंदर नहीं समा सकता, लंबे समय के लिए लगना चाहिए। मेला तो देखने में बहुत अच्छा लगा और क्या है कि यहाँ जिसको जो मर्ज है उसके हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, तो उस हिसाब से दवाइयाँ जो भी प्रोडक्ट बताते हैं वो लेना लाभदायक होता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।